अंकल अंकल ये आपने बहुत अच्छा किया और आप ना पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना कहना कि मैं शेखर काम्या सुधा हम सब एक टीम है मतलब हम लोग सब एक साथ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसे बात भी लेते हैं तो ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो किसी भी तरह से I know that. सर चेक दे दिया मैंने क्या बोली सुधा सर वो तो घर पे नहीं थी बाहर गई हुई थी बाहर गई हुई थी और चेक किसे दिया सर उनके पिताजी को जगत नारायण जी को यस सर क्या यस सर मैंने क्या कहा था तुमसे कि पर्सनली सुधा को चेक हाथ में देना तुम कोई काम ढंग से नहीं करते भालेरा इडियट हेलो 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 काट दिया मनोज सुबह से ये तीसरा ब्लैंक कॉल है पता नहीं कौन अंकल शायद मुझे लगता है कि यू मीन शेखर माँ क्या हुआ ये क्या है ये कब आया बाबूजी इतनी बड़ी रकम 25 लाख रुपए क्या है ये जी वो अचानक जरूरत पड़ गई थी पैसों की अचानक कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई थी 25 लाख रुपए की माँ बाप दोनों मर गए थे जो इतनी बड़ी रकम ले गई तू सिन्हा साहब के पास पहुंच गई नहीं बाबूजी या फिर माँ बाप से पूछने की जरूरत ही नहीं थी बड़ी हो गई है ना पढ़ी लिखी है ना कमाने लगी है ना बूढ़े माँ बाप से पूछने की जरूरत क्या है बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है और वैसे भी इसकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है फिर भी मैं जानना चाहता हूँ इतनी बड़ी रकम लेने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई हमसे पूछे बगैर 25 लाख रुपए कोई मजाक है कहां से लौटाती तू इतने पैसे कहां से लौटाती अरे हम दोनों समेत ये पूरा घर भी अगर तू बेच दे तो इतने पैसे इकट्ठे नहीं होंगे मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी रकम देखी नहीं और ये मांग के ले आई इतनी बड़ी रकम की तुझे जरूरत क्या थी आप जरा शांत हो जाइए ना सुधा बेटी तूने ये अच्छा नहीं किया इतनी बड़ी रकम की तुझे क्या जरूरत थी और इतना बड़ा फैसला तूने बाबूजी से पूछे बगैर कैसे कर लिया हाँ मुझे ये पैसे अपने लिए नहीं चाहिए थे फिर काम्या की एजेंसी में प्रॉब्लम था और कुछ ही दिनों की बात थी पैसे लौटाने की गारंटी भी थी इसलिए मैंने देखा तुमने उस छोकरी ने टोना कर दिया तुम्हारी बेटी पर टोना अब वो इसके जरिए इतनी बड़ी बड़ी रकम मंगाने लग गई और ये भी मुंह उठा के चली गई सिन्हा साहब के पास नहीं बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है शायद मैं बता दूं तुम्हें वो लड़की सीधी नहीं है बिल्कुल सीधी नहीं है वो पता नहीं इसके जरिए क्या क्या काम कराएगी वो अगर कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो वो तो मजे से अपने घर बैठी रहेगी और भुगतना पड़ेगा तुम्हारी लाडली को और तुम उसके उस फौजी भाई के साथ इसकी शादी करवाना चाहती हो दिमाग खराब हो गया सबका दिमाग खराब इसीलिए कहते हैं जब दिमाग नहीं होता है तो उसे चलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अब तुम अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम इस थिंक टैंक पर छोड़ दो अरनब नंदा ने खुद ही हेल्प की ऑफर दी ना बस फिर क्या है अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके सोर्सेस होंगे और तुम्हारी क्रिएटिविटी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व अब क्या सोच रही है करण जी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कंफ्यूजन है सारी के सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो निकल गया करण अगर मैं उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो मैं उनकी एम्प्लॉय बन के रह जाऊंगी एटलीस्ट मेरी एजेंसी में मेरी अपनी आइडेंटिटी तो है ना तुम्हारी एजेंसी की क्या आइडेंटिटी है क्या स्टैंडिंग है उसकी मार्केट में और एजेंसी हम किस एजेंसी की बात कर रहे हैं काम है देयर इज नो एजेंसी ओके बट एटलीस्ट क्रिएटिव इंडिपेंडेंस तो है ना मेरे पास मेरे डिसीजंस मेरे काम करने के स्टाइल में कोई इंटरफेयर तो नहीं करता ना काम है इट इज ऑल अ टीम वर्क ओके या इट इज अ टीम
पर अगर इस टीम का हेड मिस्टर नंदन से एरोगेंट आदमी है तो अच्छा करो। काम्या तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। ये मत सोचो कि हर बार हर कोई तुम्हारे हिसाब से काम करेगा। ओके, बट वर्किंग एटमॉस्फेयर नाम की भी कोई चीज होती है नहीं? काम्या, enough is enough। इन्हें बिल्कुल अजीब होगी। तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम के लिए तुम्हें कोई सॉल्यूशन देना है तो मेरा नहीं चाहता। छोटी छोटी बातों में लेकर। पर छोटी छोटी बातें नहीं है ये। तो क्या चाहते, तुम ऑफर नहीं लेना चाहते? और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? करण, देखो करण, तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना चाहती हो? वो अच्छा होगा तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए? एक बात पूछूं आपसे? बोलो। आप करण से इतना नाराज क्यों हैं? नहीं मतलब क्या बुराई है उस लड़के में? अब खाना खाने दोगी या नहीं? खाते वक्त तो उसका नाम मत लिया करो, कभी तो अकल की बात किया करो। देखिए मैं जानती हूँ आपने भी कुछ सोच समझकर फैसला किया होगा। मुझे बताइए ना कि आप करण की शादी सुधा के साथ क्यों नहीं करना चाहते? ओहो, कैसे समझाऊं तुम्हें, उन लोगों का खान पीन रहना हम लोगों से बिल्कुल अलग है। कैसे रहेगी सुधा वहाँ? क्यों, क्या बुराई है अपनी सुधा में? अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, शहर में बड़ी हुई है और मॉडर्न भी तो है। कर्नल साहब भी कितना पसंद करते हैं उसे। अरे बात वो नहीं है। फिर कहीं आप सुधा की शादी गांव वाले लड़के के साथ तो नहीं करना चाहते? कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं उसका बाप हूँ, दुश्मन नहीं हूँ, उसकी बुराई चाहूंगा मैं? तो फिर बताइए ना। नहीं मतलब बताइए कि एक सही वजह दीजिए मुझे कि आप करण की शादी सुधा के साथ क्यों नहीं करना चाहते, फिर मैं भी आपका साथ दूंगी। तो वाकई जानना चाहती हो? वो लड़का खुद है उसके साथ शादी नहीं करना चाहता। हाँ, अरे ये सब प्यार व्यार सब दिखावा है, दिखावा। मैंने उसे कहा था अपने घर वालों को बुला ले, बुलाया उसने, पता तो चले वो लड़की से वाकई शादी करना चाहता है या यूं ही गुलछर्रे उड़ा रहा है उसके साथ। आया कोई चिट्ठी, कोई पत्री, कोई टेलीफोन? अगर वाकई उसे शादी करनी होती तो अब तक घर वालों को बुलाने लिया होता। ओहो, अब क्या हो रहा है ये? सुधा का टिफिन? हाँ, कमाऊ लड़की, उसका ख्याल तो पहले रखना ही पड़ेगा। मेरा क्या है, मैं तो बेकार हूं। मैंने कल शाम को बता के रखा हुआ था ना कि सुबह मिनिस्टर साहब को लेने एयरपोर्ट जाना है, कुर्ता तैयार करके रख देना, लेकिन किसी को मेरी फिक्र नहीं है, किसी को फिक्र नहीं। मेरा क्या है, मैं तो इस घर में पुरानी अलमारी जैसा हूं जिसे ना रख सकते हैं ना फेंक सकते हैं। जरा बाहर जाके देखो मेरी कितनी इज्जत है। लोग मेरे पास सलाह मांगने आते हैं, समझते हैं मेरे पास उनकी हर समस्या का हल है, लेकिन यहाँ घर में तुमने मुझे बेपेंदी का लोटा बना रखा है। बाबूजी ये लीजिए आपका कुर्ता। लो, अब प्रेस होके आ रहा है? कल रात से ही प्रेस होकर रखा था। कहाँ? आपकी अलमारी में। ये लो, चलो तुम्हें देर हो रही। एक हफ्ते पहले कहा था प्रेस करने को, कल रात को प्रेस हुआ है। बेटा, करण ने ठीक ही तो कहा, तुमने उसके बारे में खामखा गलत इंप्रेशन फॉर्म कर लिया है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है। पापा एग्री फॉर सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पर मुझे वो आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लगा। ही सो एरोगेंट। हाय कम्या। ओ सुधा बेटा, आओ आओ बैठो और तुम ही समझाओ इसे। बेटा, उसका बहुत बड़ा कारोबार है, हजारों आदमी को संभालना पड़ता है उसे, क्यों बेटा? बिल्कुल, अर्णव नंदा की बात कर रहे हो आप? हाँ, पर बेटा ऐसे लोग हमेशा टू द पॉइंट बात करते हैं, इसे एरोगेंस नहीं कहना चाहिए। नहीं 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 पापा, आप नहीं जानते वो किस तरीके से, आपने देखा उसे बात करते हुए। बेटा, और फिर हर किस्म के लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। अब तुम ही बताओ सुधा, इसके पास और कोई रास्ता है? सी, दिस इज द पॉइंट। आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ एडजस्ट कर लूं। सुधा से कभी बात करते हुए देखो, इसे बात करने की तमीज ही नहीं है, छोटी छोटी बात पर इंसल्ट करता है। आप क्या चाहते हैं, मैं उसके साथ काम करूं और रोज बेइज्जत होती रहूं? ओके, आई गिव अप। मैं तुम्हारे साथ और बहस नहीं करना चाहता हूं, तुम खुद अपने डिसीजंस लो। मैं चलता हूं बेटा, तुम ही समझाओ इसे।
अर्नब नंदा इतना बुरा नहीं है, ही इज ऑल राइट। यू टू सुधा। जी सुधा, मुझे पता है कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। एट द कॉस्ट ऑफ माई सेल्फ रिस्पेक्ट मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती। बहुत बहुत पर इंसल्ट करता है वो, सो एरोगेंट है। मैं उसे एजेंसी पर कब्जा करने नहीं दूंगी। Is this your final decision? Yeah. ठीक है, अगर अर्नब नंदा के साथ काम करने में तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो there are other options. ये क्या? सिनक साइड में लगाओ। बस 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 बस, देखो वो लाल बत्ती वाली सफेद गाड़ी नजर आ रही है ना मंत्री जी की? जैसे ही मंत्री जी उसमें बैठेंगे और गाड़ी चलेगी, हमें उसके पीछे पीछे चलना है। ठीक है, यहीं रुकना, देर मत करना। चलो ड्राइवर, जल्दी करो। अच्छा सुनो, ये सामान भी मेरा जरा पीछे रखवा दो, जल्दी करना जरा। मैडम आप कहाँ जा रही है? टैक्सी मेरी है। आपकी कैसे हो सकती है, ये तो अभी अभी आई है। हाँ अभी आई है, लेकिन मैंने इसे छोड़ा नहीं है, मैं ही आया हूँ, उतरिया। देखिए मैं यहाँ से नहीं उतरूंगी, आधे घंटे से मैं इंतजार कर रही हूँ, एक भी टैक्सी खाली नहीं। मैडम तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, मैं टैक्सी तो नहीं ला सकता आपके लिए। आप समझ नहीं रही है, वो सामने दिख रही है आप सफेद गाड़ी, मंत्री जी की लाल बत्ती वाली गाड़ी। हाँ मैं उन्हें रिसीव करने के लिए आया हूँ, मुझे आगे जाना है, प्लीज उतरिया। ये जो मंत्री लोग है ना, इन्हीं लोगों की वजह से यहाँ पे इतनी भीड़ जमा है, एक भी टैक्सी खाली नहीं है, मैं नहीं उतरूंगी। किसके बारे में बात कर रही हैं आप? जानती हैं कौन है वो? वो इस देश के बहुत बड़े समाज सेवक हैं। चलिए उतर गया। समाज सेवा के नाम पर ही ऐसे लोगों ने लूट मचा रखी है, मैं नहीं उतरूंगी। चलो ड्राइवर। अरे कोई जबरदस्ती है? जी हाँ जबरदस्ती है, मैं नहीं उतरूंगी। आपने जो करना है कर लीजिए। कमाल है भैया, इस देश की महिलाओं का ये हाल है तो क्या होगा इस देश का। तुम चलो ना। ठीक है ले जाओ। मीटर कितने? पैसे? पैसे कैसे? मैंने खाली की गाड़ी, मैंने कहा था इनको बिठाओ, ले लेना पैसे इनसे। अरे बाबा मैं ही दे दूंगी, आप क्यों इतना चिल्ला रहे? चलो ना तुम ड्राइवर। भैया बड़े बाप की बेटी है, ले जा इनको। हाँ जा रहे हैं, चलो चलो चलो। नहीं सुधा, आई एम जस्ट नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट। आई नो, मुझे भी सिन्हा अंकल से ये पैसा लेना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यू डोंट वरी, मैंने उन्हें बताया नहीं कि मुझे पैसे किस लिए चाहिए, इट्स अ लोन। नहीं सुधा, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, इतना बड़ा अमाउंट है, आई मीन इट्स हिज ग्रेटनेस, बट नहीं, मैं उन्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। ठीक है, आई टेल हिम। नहीं मुझे पैसे चाहिए ही नहीं सुधा, पापा ने लिए होते तो अलग बात थी, दोनों दोस्तों में आपस की बात थी, बट अगर शेखर यहाँ होता तो हम भी लेते। शेखर यहाँ होता तो बात ही अलग थी, और उसकी एब्सेंस में नहीं। तो अब तुम क्या करोगे? क्या करूंगी? अर्नब नंदा को ज्वाइन कर लूंगी, और क्या। थिंक वही बेटर रहेगा। सी एज इट इज इंडिपेंडेंटली काम करने का हम दोनों को एक्सपीरियंस ही है, इट्स बेटर किसी के साथ ज्वाइन कर ले। सुधा अपने आप को कन्विंस करने लगे तो बहुत सारे रीजंस हैं, बट द मेन थिंग इज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। श्योर? या ओके, मैं चलूं। ओके बाय बाय। काम्या ये कार कहाँ से आया? कल एक बच्चा देकर गया, जब तक पूछने लगी गायब हो गया। यू नो आजकल बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। बेवकूफ, ये वही कार है जो मैंने और शेखर ने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया था।
I'm sure उसी ने ये भेजा है। नाम या पता कुछ नहीं है। शेखर ने चेक नहीं चाहिए मतलब क्या हुआ सुधा जगत नारायण जी ने कुछ कहा नहीं नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है चेक इसलिए लौटा रही हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गई ओह दैट्स गुड थैंक यू सो मच प्रॉब्लम सॉल्व होना ज्यादा जरूरी था सुधा ये थैंक यू की जरूरत नहीं है अंकल मैं सचमुच आपको बता नहीं सकती मेरे पास शब्द नहीं है थैंक यू कहने के इतनी बड़ी रकम आपने मुझ पर यकीन किया इस चेक को देखकर मुझे क्या महसूस हुआ था मैं आपको बता नहीं सकती कम ऑन सुधा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया एनीवे थैंक यू अंकल अब एक और बात है हाँ बोलो काम्या नंदा ग्रुप ज्वाइन कर रही है एज देयर इन हाउस एडवर्टाइजिंग चीफ और इसमें मैं उसकी मदद कर रही हूँ तो अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपना चार्ज किसी और को सौंप कर रिजाइन करूं वेल नो प्रॉब्लम सुधा तुम अपनी पसंद का काम करो तो मुझे तो खुशी होगी और फिर हमारे साथ काम नहीं करने का ये मतलब तो नहीं है कि हमारा रिश्ता ही खत्म हो जाएगा बिल्कुल नहीं अंकल थैंक यू सो मच अंकल काम्या कैसी शी इज फाइन इनफैक्ट शेखर ने उसे कार भेजा है एंड शी इज वेरी एक्साइटेड अंकल आपके पास शेखर का एड्रेस है His address? हाँ नहीं शेखर तो आने वाला है शेखर ने काम्या को कार्ड भेजा जी अंकल मैं चलूं हाँ हाँ ओके बाय बाय थैंक यू से भेजा होगा अंकल काम्या का तो दिमाग खराब हो गया है उसे लगता है अर्नब नंदा उसकी एजेंसी को टेक ओवर करके उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुंचा रहा है करण काम अंकल आई फील उसे ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए दोबारा काम्या ने ये ऑफर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कम से कम मेरे सर पटकने का कुछ तो फायदा हुआ ये तुम्हारा कमाल नहीं सुधा का कमाल है उसने जब काम्या को समझाया तब काम्या ने बात मानी चलो अंकल किसी ने भी उसे बात मनवाई हो लेकिन the problem is solved, that's what matters. You know, बेटा, मैं सुधा से जब पहली बार मिला था ना मैं तभी जान गया था कि इस लड़की में कोई स्पार्क है तुम्हारे शादी के दो फायदे होंगे वो क्या सुधा तुम्हें भी संभालेगी और काम्या को भी You know, uncle, I've often wondered कि हम लोग काम्या के साथ सर पटक पटक के मर जाते हैं लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनती और सुधा एक मिनट में आती है उसे कुछ समझाती है और वो मान जाती है I get it. ओहो, करण बेटा, look who's here. कौन है? The lady who loves you the most. Hello, my dear. Mom,